नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। विधायक जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो योजनाएं अखिलेश जी ने चलाए थे, उन योजनाओं का क्या हश्र है? इस सरकार में कैसे चल रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग विधायक थे और अपने विधानसभा क्षेत्र बैरिया बलिया में गंगा नदी पर पक्का पुल शिवपुर घाट पर 325 करोड़ रुपए के लागत से हमने पास करवाया था और 3 साल बीतने के बाद अब कैसो कैसो जो हमने पैसा जारी कराया था उस पैसे का उपयोग अब लग रहा है कि अब ये सरकार शुरू करना चाहती है। उस परियोजना पर एक पैसा अतिरिक्त ये सरकार नहीं दी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने 27 करोड़ के लागत से बैरिया सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल पास करवाए थे और जितना पैसा हमारी सरकार ने दिया था उतना ही पे काम करा करके उसका आधा ही काम करा करके उस काम को रोक दिया गया है। इसी तरह से हमने बालिका इंटर कॉलेज का भवन बनवा रहे थे, वो भी कार्य अधूरा है। हमने अग्निशमन केंद्र पास करवाया था, वो भी काम अधूरा है। यहाँ तक ले कि माननीय अखिलेश जी ने जननायक विश्वविद्यालय बलिया में बनाने का काम किया था, उन्होंने 10 करोड़ रुपया धन दे करके विश्वविद्यालय को चालू करा दिया था, उसका भी आधा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काटने का काम किया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम हुए थे, चाहे 100 नंबर का मामला हो, चाहे आपका लोक भवन हो, एकानाई स्टेडियम हो, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, काम को ये बाधित करना और पूर्ण कार्यों का नाम बदलना, यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि प्रदेश में कोई इस तरह का काम हो रहा हो, बड़े बड़े पुल बन रहे हों, कल कारखाने लग रहे हों या कोई ऐतिहासिक धरोहर बन रही हो कि जिसे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक काम जरूर की हुई है कि किसानों को तबाह करने के लिए जिस बछड़ों को उसने छुड़वा रखी है, अब उस बछड़ों की खुराकी के लिए 30 रुपया दे करके ब्लॉक स्तरीय 56 रुपया हो गया है। 56 रुपया हो गया है, ब्लॉक स्तरीय कैंप बना दी है कि उस कैंप में बछड़ों को रखा जाएगा, उसका पालन पोषण करेगा सरकारी खर्चे पर। और नौजवान भूखों मर रहा है, दर दर की ठोकरें सड़क पे खा रहा है, उसके रोजी रोटी के लिए सरकार परेशान नहीं है। बेटियों की आबरू लूटा जा रहा है, उसके लिए सरकार चिंतित नहीं है, बल्कि ये सरकार गाय और बछड़ों पे पूरा अपना एनर्जी केंद्रित की है और विकास मद का पैसा उसके लिए खर्च करके बड़ी उपलब्धि लेना चाहती है। यही योगी जी ने जिस तरह से अयोध्या में 341 करोड़ रुपए के लागत से 5 लाख से अधिक दीपक जला करके गरीबों का आँस पोछने का काम किए हैं, बताइए दीपक जलाने से अगर देश प्रदेश का विकास होना होता तो हर घर में हजारों हजारों की तादाद में दीपक जलते, लेकिन लोगों का दीपक से नहीं बल्कि शिक्षा की आवश्यकता है, उसे दवाई पढ़ाई की आवश्यकता है, उसे झोपड़ी के स्थान पर पक्के घर की आवश्यकता है, उसके पढ़े लिखे बेटे और बेटियों को रोजगार की आवश्यकता है। तो ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है बल्कि गुमराह करके उसके जो जो भी कहीं से लाभ मिलने वाला है उसका हक लूटने का काम कर रही है। आपकी सरकार में बलिया का सबसे पिछड़ा क्षेत्र भीमपुरा को ब्लॉक बना दिया गया था, विकासखंड का दर्जा दिया गया था। इस सरकार में अभी तक वो कार्य अधूरा है। क्या लगता है आपको कि भीमपुरा का ब्लॉक बनने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ भीमपुरा का ही नहीं बल्कि प्रदेश के 30-35 ब्लॉकों को निरस्त करने का काम किया है, ख़त्म करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इन 35 ब्लॉकों को माननीय अखिलेश जी ने सृजित करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धनाभाव के कारण इसको ख़त्म करने का काम किया है, क्योंकि गांव के लोगों को विकास ना हो सके इसलिए कि छोटे छोटे विकास होंगे तो अधिक उन्हें धन देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 950 ब्लॉकों के लिए धन आवंटन कर दिया था भवन बनाने के लिए,
वो भी सरकारें धन लूटना चाहती हैं, और विकास कहाँ से होगा जब गांव में पैसा नहीं आएगा। पहले 14वें वित्त का पैसा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को जाता था, उससे विकास होता था। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को जाएगा, अब ग्राम पंचायतों को भी चला गया, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी तरह से ग्रामीण स्तर से लेकर के प्रदेश और देश स्तर तक इस सरकार में विकास ठप हो गया है, और ये सरकार विकास करना भी नहीं चाहती है। यूपी की डायल 100 आप धर्म और जात के नाम पर लोगों को लड़ा करके और शांति फैला करके देश को तबाह करने पर ये सरकार आमादा है। यूपी की डायल 100 देश का कल्याण नहीं होने वाला है। यूपी की डायल 100 समाजवादी सरकार की देन है, जिसे योगी सरकार ने 112 कर दिया है, 112। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में जो 100 नंबर की सुविधा दी गई, उसे काफ़ी हद तक क्राइम रुका था। इसलिए कि 100 नंबर की गाड़ियां विभिन्न चट्टी चौराहों पे बकायदे कांस्टेबल और एक एसआई के थ्रू वो लैस रहती थी। कहीं भी 100 नंबर पे लोग डायल करते थे आपद विपत में, वो गाड़ी दौड़ करके उनकी सुरक्षा करती थी, उनकी मदद करने का काम करती थी। हर थाने से जोड़ दिया गया था डायल 100 को, और 1090 लड़कियों के लिए। आज ये सरकार 300 से अधिक 300 कुछ करोड़ रुपया खर्च करके सिर्फ 100 नंबर से 112 नंबर करने का काम किया। अगर 112 करने से क्राइम ख़त्म होना है तो सरकार और भी नंबर बदल दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अखिलेश जी की उपलब्धि न कही जाए, इसलिए सरकार बदले की भावना से प्रेरित होकर के ये नाम और नंबर बदलना चाह रही है। भाई योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना लोक भवन में किए, नया कोई उससे बड़ा भवन बना करके उनके सामने उन्हें करना चाहिए था। अपनी सरकार के निर्माण किए हुए कार्यों पर उनका नाम जिक्र करना चाहिए। ये काना स्टेडियम का नाम अटल जी के नाम पे किया गया, भाई उससे बड़ी स्टेडियम बनाइए, उसका नाम उनसे कीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा निर्मित भवनों का, उपलब्धियों पर अपना नाम लिख करके अपनी पीठ थपथपाना, ये कहाँ का न्याय संगत है? तो हम लोग तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई रोकने में भी नाकाम हो गई है, नौजवानों को रोजगार देने में भी नाकाम हो गई है। लड़के कम से कम शिक्षित हों, इसके लिए जो दलित समाज के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश का इंतजाम था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब चाहे उस पिछड़ी जाति का हो, अगड़ी जाति का हो, या दलित समाज एसटी का हो।